गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो जी गुड न्यूज़ देते हैं, कल हम जा रहे केदारनाथ कल सुबह। सो अभी उससे पहले देखो हमारे घर पेंट चल रहा है, देखो पेंटर वेंटर लग रहे हैं क्योंकि कल हवन है। और बाकी भैया देखो क्या होता है, बाकी मैं नहाऊंगा धोऊंगा रेडी होऊंगा फिर आज मिलवा के लाते हैं आपको इनिशियल लोगों से जो जिनके साथ व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। अपना चलेंगे अभी थोड़ी देर में, क्या चिली ठीक है स्वीट पोटैटो। यार मम्मी आज मजबूरन बाल कटवाने पड़ेंगे थोड़े से, केदारनाथ जाना है तो भाई शाम को ये मजबूरी है यार। सो गाइस इस देखो मैं रेडी रूडी हो चुका हूँ, नहा धो के एकदम सेट। रुको इधर से दिखाता हूँ, तो हम जा रहे हैं। एक मेरी आज FBL की क्लास है, वो मतलब अटेंडेंस लग जाएगी उसकी आज, क्योंकि अगले मंडे ट्यूसडे वेंसडे छुट्टी मारूंगा क्योंकि भाई जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। सो अपनी अटेंडेंस की दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज अब लास्ट टाइम चल रहा है और अब एक्स्ट्रा क्लासेस भी शेड्यूल हो रही हैं तो डिबार नहीं होना, इस वजह से आज मजबूरन जा रहा हूँ। और बाकी एक छोटा सा काम भी, अपने मामा के यहाँ जाना है, कुछ ले कर आना है, तो इस वजह से चल रहे हैं बस। बाकी अभी तो थोड़ा सा टाइम है, चलेंगे बस खा पी लें हल्का बहुत फिर चलते हैं। लेट्स गो, अभी चलते हैं और आते हैं अपना भाई। 12:30 बज चुके हैं क्योंकि लेट हो जाएगा फिर बहुत ज़्यादा, 1 बजे से है, 1 से 2 फिर फ्री, उसके बाद दोस्त बढ़ते हैं, चलते हैं। अभी इसमें डीजल डलवा लेते हैं बिकॉज रिजर्व पे नहीं है अभी गाड़ी, बट लग जाएगी तो क्या फ़ायदा, इतनी बड़ी गाड़ी है तेल फेल होना चाहिए अभी एकदम सेट। तो चलते हैं अभी तेल डलवाते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। ये है जी MAT एंड हमको जाना है Gate 3A से एंट्री लेनी है, चलते हैं बस। लेट्स गो, भीड़ कितनी कम है पर ये आज की जबरदस्ती आना पड़ा है बस, कुछ हो मत क्योंकि छुट्टी ज़्यादा माननी है ना अब इसीलिए। देखो ये रथ रही है तो गाइस यहाँ पर आए थे। सो गाइस कवर लगवाना है Sector 18 की मार्केट दिखाओ, फोन मार्केट दिखाओ जी। देखो एक गाड़ी में बैठ गए हम, ये पूरी पूरी मार्केट ही मार्केट ही ये पूरी, तो भाई ये भैया हमारे। सो गाइस अब जा रहे हैं घर पे, अब चलते हैं यार बिकॉज टुमारो ट्रिप सिस्टम जय बाबा की। देखो गाइस ये लोग बीच में आ जाते हैं डिस्टर्ब करने मेरे को, बट कोई ना गाइस अभी चलते हैं घर पे। अभी हम कवर लगवाना है टेम्पर्ड ग्लास, क्योंकि मेरे फोन में टेम्पर्ड ग्लास कवर सब टूटा पड़ा था, कवर तो लगा ही नहीं रखा मेरे दिल की तरह हैं। सूजी देख रहे हो हल्के हो रहे हैं, क्या बात है, शरीर घटता जा रहा है, चर्बी मुंह पे आ गई जा रही है। भैया जी थोड़ा पीछे कर लीजिए, भैया जी देखिए गाइस चढ़ाए जा रहे हैं आगे लाए जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है तुम्हारे चक्कर में आराम से। हम जगह नहीं दे पा रहे थे इन लोगों को तो इन्होंने गाड़ी वाड़ी हटवाई है भैया, जगह बनाई है अपने निकलने के लिए, बिकॉज देखो थार चलाने का मजा ही अलग है, सिस्टम है इस गाड़ी में बहुत तगड़ा। हाँ कोई आदमी आपको हटाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप हटती चली जाती है। दिखाते हैं डेमो सही नहीं है, नॉट गुड। देखो वैसे जगह तो पूरी जगह ही जगह है। ओ माय गॉड दिस इज द फन गाइस, सी ग्रेट इंडियन पैलेस, ओ माय गॉड डैम कूल। सो गाइस हम आ चुके हैं घर पे, गाड़ी गाइस को दिखाया हमारी सारी गाड़ी का नंबर 5999 हो गया, कुत्ते बैठा रखे हैं यहाँ वफादारी पे। मम्मी कहाँ है? मम्मी ऊपर। वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड। ओके आ जाओ
ये देखो ये छोटे यूट्यूबर। हमारे पुराने व्लॉग देखे जा रहे हैं यहाँ सबके साथ। देखो पुराने पुराने व्लॉग से पहला वाला व्लॉग देख रहे हैं गोपाल जी, जिसमें मैं अरे अरे ओए डिफरेंस दिखाओ जरा, थोड़ा सा आगे पीछे करो इस लड़के में। देखो ये अब ऐसा है और इसका थोड़ा दिखाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मेरी और गोपाल की ट्रांसफॉर्मेशन होगी पहले व्लॉग सब तक। दिखाओ जरा, ले देख, देखो लो गाइस फर्क बताना जरा, कहीं भी नहीं है, 1% भी नहीं है, बल्कि थोड़ी सी बुरी ही लग रही है। हाँ ये बस थोड़ा पास करो इसको, बस 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 इसी जगह रोको गाइस। देखो ये देखो और ये देखो, इधर आओ फ्रेम में, भाई वाह भाई वाह, बहुत फर्क है भाई, बॉडी मत दिखाओ अभी नहीं बनी वो, बस बहुत। सो गाइस हमारे भाई ने आज डाइट कर दिया बंद और हम दोनों, हाँ हम दोनों की देखो हो चुका है फैट बहुत हद तक कम, तो आज हम इटालियन खाने जा रहे हैं। इटालियन यू अंडरस्टैंड, मतलब कि व्हाइट सॉस पास्ता, बिकॉज व्हाइट सॉस पास्ता इसीलिए, बिकॉज भाई वो रंग साफ करता है थोड़ा सा, बेसिकली हम थोड़े से काले रह गए हैं, बस वो चीज और सही करनी है बस, फिर उसके बाद मैं घर चले जाऊंगा और बेसिकली थोड़ा बहुत खाएंगे क्या जा रहा है, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली जिंदगी है अभी। हाँ अब खाओ भी मत ना, सही बात है, जो मजे करने जिंदगी सन्नो बाइक खुल गई, यू बार बार थोड़ी ना मिल रही यार गाड़ी। सो गाइस भाईचारे में अपना देख रहे हो बिस्तर 37 से व्हाइट सॉस पास्ता, बेसिकली बिस्तरों और अनुभाई में बहुत भाईचारा है। हाँ, नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग वो जानता है मेरे को बहुत अच्छे से जानता है दोस्त। हाँ क्योंकि मैं अगर जो व्हाइट सॉस पास्ता नाम आती एक ही चीज दिमाग में बिस्तरों, मैंने BCC भी खाया है, मतलब द ब्लैक कॉफी कैफे, पर मुझे भाई इतना मजा नहीं आया ऑनेस्टली स्पीकिंग। बिस्तरों 37 मतलब 150 रुपए का पास्ता है, पर वर्थ इट है भाई, मतलब गार्लिक ब्रेड हर चीज मिलेगी और आप टेस्ट करके ना बोलोगे कि हाँ कोई चीज अच्छी खा रहे हो आप, तो भाई ये नहीं कि भाई हाँ मतलब वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, वर्थ इट है, 150 रुपए खर्च करोगे ना क्वांटिटी भी देखियो, क्वांटिटी भी कितनी आएगी, खूब है, इनफ है भाई दो आदमी के लिए। यार थोड़ा ज्यादा महंगा है, 600 का किसने बोला, 250 का, 150 का भाई सही है मतलब पैसा वसूल है, पैसा वसूल है। और मतलब कॉफी तो देखो ऑब्वियसली महंगी है, यहाँ महंगी तो खैर क्या ही है, हर जगह ही इतनी है अब तो, पर अपना टी शॉप सबसे बढ़िया 60 रुपए की टी शॉप पूरे नोएडा में सबसे फेमस है कॉफी के लिए भाई, टी एस्टा तो है भाई सिस्टम है उसका, तो नाम चलता है होता है भाई व्हाइट सॉस पास्ता, जिसको नहीं पता ये गार्लिक ब्रेड है, बटरी ब्रेड और ये बिसोडेल है, पर देखो भाई वर्थ इट है। और देखो इसका ही है बिस्तरों 37 का ये टी शॉप, इसकी सस्ती वाली कॉफी। कैसा लगा आपको कॉफी पी के गाइस, बताइए गोपाल गाइस, अब छोड़ के जा रहा हूँ मैं इन्हें, अच्छा राम राम जी भाई, चलो तो चलो भाई बाय, मिलेंगे दोबारा कभी, अब ना हैव अ नाइस डे, ओके सर, ये मेन व्लॉगर हार तुम्हारी आज से, ठीक है हार आपकी, बाय राम राम। सो गाइस अब चलते हैं अपने घर, अब चलते हैं जी सिस्टम, थैंक यू बाय, थैंक यू बाय। अरे भैया गाइस अब चलते हैं अपने घर, देखो घर आ चुके हैं भाई हम, कब के मैं घूम रहा था बस ऐसे ही, ये हमारा घर है गाइस, ये हमारा पार्क है, पैकिंग स्टार्ट करते हैं, देखो अपने बैग ये रहा, पैकिंग कर लेते हैं हमने कल सुबह के लिए, वैसे कपड़े वपड़े सब निकाल लिए मैंने, बस पैक कर लेते हैं थोड़ी देर रुको बस। आज के ब्लॉग को यहीं पेंट करते, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बेकार लगी तो डिसलाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय गाइस।